कर दी। गुड इवनिंग एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम है प्रदीप विश्वकर्मा और मैं पीजी पायस इंटर कॉलेज गागरअली में अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चैप्टर के बारे में जिसका नाम था वर्ब का चैप्टर, द पावर ऑफ डूइंग सम वर्क इज नोन एज वर्ब, किसी कार्य को करने की क्षमता को हम वर्ब कहते हैं। आज मैं उसके पार्ट टू की बात करता हूँ, उसमें क्या क्या आता है बात करते हैं। सब्जेक्ट और एक्टिव नाउन्स, वो सभी सक्रिय नाउन यानी संज्ञाएं हु वर्क एक्टिवली, जो सक्रियता से काम करते हैं, आर नोन एज सब्जेक्ट, उनको सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि हम इसे हिंदी में कर्ता कह सकते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहलाता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है प्लूरल, दूसरा होता है सिंगुलर। प्लूरल यानी कि बहुवचन कर्ता, एक या एक से, दो या दो से अधिक, सॉरी प्लूरल। आई, मैं या मैंने, कई बार क्या होता है कि मैं बाजार जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, मैंने दिल्ली विजिट किया था, अब मैंने की इंग्लिश क्या होगी, मैंने की इंग्लिश भी आई होती है, हमने की इंग्लिश भी वी होती है। इसी तरह से आई, मैं और मैंने दोनों हो सकता है, वी हम और हमने दोनों हो सकता है, यू आपने, तुम तुमने, तू तूने, राइट, दे वे उन्होंने। इसी तरह से सिंगुलर्स, वह ही वह उसने, मेल लड़कों के लिए लगता है, पुरुषों के लिए लगता है, शी वह उसने, फीमेल महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए लगता है, इट यह इसने, ऑल नेचुरल जितनी भी प्राकृतिक चीजें सबके लिए इट लगता है, जानवरों के लिए भी इट लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनको हम, जो बात नहीं करती, जो बेजान होती हैं, उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं। नेचुरल में वर्षा का यूज होता है, वर्षा यानी कि बारिश, उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एनी नेम, कोई भी नाम, नाम राम या राम ने, सीता या सीता ने, जितने भी नाम हैं सभी के लिए हम एनी नेम का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। लेकिन अगर वो राम और सीता ने, तो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दो हो गए, फिर ये दो या दो से अधिक जितने मर्जी हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, those words, वे शब्द used after main verb, मैंने पिछली वीडियो में आपको मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बारे में बताया था, उसके बाद यूज होने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट हो गया, गो मेन वर्ब हो गई, टू स्कूल, टू प्रीपोजिशन का काम करती है, स्कूल की ओर, स्कूल, स्कूल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, याद रखेंगे हम। इसमें नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट कहलाते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, स्टोरी, बुक, इट एटसेट्रा। इट के बारे में अभी बताया, नॉन लिविंग में लगता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, फॉर एग्जाम्पल आई पढ़ चुके हैं, का ऑब्जेक्ट मी होता है, याद रखना है, वी का ऑब्जेक्ट यू, का ऑब्जेक्ट यू होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, और नाम का नाम ही रहता है इंग्लिश में, जैसे राम का राम रहेगा, सीता का सीता रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें होता है ने सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में होता है को, याद रखें। इनके हिंदी मीनिंग्स भी लिखे हैं, मी मुझे, यू आपको, हम हमें, देम उन्हें, ही उसे, शी उसे, इट इसे, और राम को, सीता को, दीपक को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पोसेसिव, ऑल सेल्फ वर्ड्स आर पोसेसिव, जितने भी अपने की इंग्लिश होती है, जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैंने अपना कार्य किया था, इसमें पोसेसिव अपना हो गया, उसने अपने घर को बेच दिया था, उसने अपने घर को बेच दिया था, तो अपना अपने की इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई का हो गया माई, अलग अलग अपने की इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लगती है, ऐसा नहीं होता है कि आई के साथ आप जो चाहें वो लगा दें, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग प्रोसीड्स हैं, आई माई वी आर यू योर दे डियर ही हिज शी हर इट इट्स नेम नेम अपोस्ट्रोफियस। आपने देखा होगा रामाज ब्रदर, रामाज फादर, रामाज विलेज, यहां पर कह सकते हैं माई विलेज, माई फादर, ये माई है, फादर क्या है, फादर एक सब्जेक्ट है, माई क्या है, पॉजिटिव यानी माई फादर, राइट। इट इट
के साथ कुछ लोग इसमें अपोस्ट्रोफीज लगाते हैं, अपोस्ट्रोफीज बिल्कुल गलत है, इट्स लगता है डायरेक्ट इस साथ एस लग जाता है, अपोस्ट्रोफीज बिल्कुल नहीं लगता, याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट टू जरूर समझ में आया होगा। आप एक बार पार्ट फर्स्ट की प्रैक्टिस करें, फिर पास सेकंड की प्रैक्टिस करें, दोनों को अपनी नोटबुक में नोट करें, दोनों का अभ्यास करें, और जैसे ही दोनों पार्ट आपके क्लियर हो जाएं, आप मुझे मेरे नंबर पर फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 8445230121, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे अपनी कॉपी में नोट करके सेंड कर सकते हैं कि आपने कार्य किया है या नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग।